24 तारीख को होलिका दहन का दिन है, 25 तारीख को धूलंडी है यानी खेलने वाली होली है। 24 तारीख को एक उपाय आपको करना है, क्योंकि होलिका दहन की जो अग्नि होती है उसमें तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और आपको भी एक तांत्रिक क्रिया हम बता रहे हैं, अपनी राशि अनुसार भस्म कर देनी है ये चीज़ जो आपके खोटे नसीब, अगर आप मानते हैं ऐसा कि नसीब किसी का भी खोटा नहीं होता है, भगवान ने हम सबको बहुत अच्छा नसीब दिया है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि कोसते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तो आपको ये शब्द बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी किस चमके की किस्मत आपकी कि दुनिया पूछेगी क्या उपाय, क्या टोटका किया है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटका अपनी राशि अनुसार करना है। अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो नॉर्मल टोटका भी बताएंगे जो हर कोई कर सकता है जिसको अपनी राशि नहीं पता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, आप भी सुखी होंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। मित्रों, होली का त्यौहार वर्ष में एक बार आता है और हम सबको टोने टोटके से बचना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर कोई शत्रु बाधा अगर छोड़ता है तो आपको ये उपाय शत्रु बाधा से बचा सकता है। नेगेटिविटी अगर आप पर कोई छोड़ता है इससे आपको निजात मिलेगी। आपको ये चीज़ अग्नि में भस्म कर देनी है अपनी राशि अनुसार, और जिसको राशि पता नहीं है वो भी हम ऐसा चीज़ बताएंगे जिसको बर्न करके तमाम नेगेटिविटी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और आप गदगद हो जाएंगे अपने नसीब को पाकर। पुनः खोए नसीब को पाना बहुत उद्वेलित करने वाला, उल्लासित करने वाला मोमेंट होगा आपकी ज़िंदगी में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को और बताना प्रारंभ करते हैं। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों को कोई हरा प्लांट लेना है। हरा प्लांट ध्यान दीजिए, सूखा हुआ होना चाहिए, मतलब सूखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो सूखी ही फायदा करती है। इंटेंशनली हरा पेड़ आपको काटने की सलाह नहीं देंगे। आप चाहें तो आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक का प्लांट आता है उसको आपको अग्नि में बर्न कर देना है, अपने सिर से उसार कर अग्नि में बर्न कर दीजिए और बुध देव का नमन करिए। बुध देव आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होते हैं और बुध देव को आप नमन करते हैं। और हरा प्लांट यानी हरे भरे प्लांट को नहीं बर्न करना है। हरा प्लांट आर्टिफिशियल होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि अगर शुद्ध हरे प्लांट को जलाएंगे तो हम पाप के भागीदार हो जाते हैं और ये पाप हम आपसे नहीं करवाना चाहते हैं। तो आपको हरा प्लांट आर्टिफिशियल लेना है और उसको बर्न कर देना है। अपने घर का पुराना आर्टिफिशियल प्लांट भी आप ले सकते हैं जिसपे बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई हो, उसको हूबहू ऐसे ही बर्न कर दीजिए और देखिए आपके ज़िंदगी में कितने प्रॉस्पेरिटी आती है। वृष राशि वालों को सूखा हुआ लाल पुष्प बर्न करना है अपने ऊपर से उवार कर। गुड़हल का पुष्प भी ले सकते हैं लेकिन सूखा होना ज़रूरी है, और ऑनलाइन भी आपको गुड़हल का सूखा हुआ पुष्प मिल जाएगा। स्वतः पुष्प गिरा हुआ हो और सूख गया हो उसको भी आप बर्न कर सकते हैं। ताज़ा ताज़ा फूल तोड़ना दोष होता है। पूजा के लिए आप फूल तोड़ते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप वैसे ही फूल तोड़कर नष्ट शत विशत कर देते हैं तो आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। तो लाल पुष्प आपको बर्न करना है जो स्वतः गिरा हुआ हो और सूखा हो। आप ऐसा नहीं कर सकते तो लाल चंदन का टुकड़ा बर्न कर दीजिए अपने ऊपर से उबार कर। मिथुन राशि वालों को उपाय बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है मसूर की दाल की बनी हुई कोई चीज़। मसूर की दाल की बनी हुई कोई चीज़ मीठी होनी चाहिए, गुड़ डली हुई होनी चाहिए। उसको होली की अग्नि में बर्न कर दीजिए अपने ऊपर से उबार कर। आपकी तबाही मिट जाएगी, आपको खुश नसीबी प्राप्त होगी, आपकी तकदीर ऐसी जगेगी कि दुनिया पूछेगी। कर्क राशि वालों को लोहे की चीज़ बर्न करनी है। लोहे की कोई कील डाल दें जलती हुई अग्नि में अपने ऊपर से उबार कर। पॉलिश की डिब्बी डाल सकते हैं, काजल की डिब्बी डाल सकते हैं, जो भी आपको सूट करे वही आपको डालनी है, लेकिन चीज़ काली होनी चाहिए, लोहे की होनी चाहिए, तभी वर्क करेगी और तभी आपको किस्मत के चमकने का अवसर मिलेगा। सिंह राशि वाले थोड़ा सा तेल अपने ऊपर से उबार कर बर्न कर दीजिए। पहले से जला हुआ तेल भी ले सकते हैं और नया तेल भी ले सकते हैं, इससे आपको अत्यंत फायदा मिलेगा। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए काम करें। कन्या राशि वाले लाल चंदन की लकड़ी बर्न करें।
तुला राशि वाले बेसन से बनी हुई चीज़ बर्न करें। आप बेसन से गुजिया भी बना सकते हैं या कोई गुजिया बनाएं और उसमें हल्दी डाल दीजिए और उसको बर्न कर दीजिए होली होली के अग्नि में, तो आपके ऊपर से तमाम बाधाएं मिट जाती हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। वृश्चिक राशि वालों को नीम की लकड़ी बर्न करनी है। सूखी हुई लकड़ी ले लीजिए। नीम की लकड़ी बर्न करने से आपको तमाम नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। धनु राशि वाले कैक्टस का कोई टुकड़ा लेवें और कांटेदार पौधा लेवें या कैक्टस का टुकड़ा लेवें और अपने ऊपर से उबार कर सावधानी पूर्वक बर्न कर दीजिए, मतलब होली की रात में होली का दहन के अवसर पर बर्न कर दीजिए, तो आपको तमाम शत्रु बाधा से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी ज़िंदगी में खुशनसीबी व्यापक स्तर पर आ जाएगी। मकर राशि वालों को गेहूं से बनी हुई कुछ चीज़ या गेहूं ही बर्न कर दीजिए, आपको तमाम नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाएगा। कुंभ राशि वाले भारंगी की जड़ बर्न करें, आपको लाभ होगा। भारंगी की सूखी लकड़ी भी आती है, पंसारी के दुकान में मिल जाती है। आप भारंगी कहेंगे तो आप वो आपको दे देंगे, उसको लाकर बर्न कर दीजिए, आपको लाभ होगा। मीन राशि वालों को थोड़े से चावल बर्न करने हैं, सफ़ेद चावल अपने ऊपर से उबार कर बर्न करने हैं। इससे तमाम नेगेटिविटी आकस्मिक दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली के अवसर बारंबार अवतरित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए सुखी रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।